मुझे छत से अभी टॉफी मिली और ये कह नीचे बड़ी चीज नहीं खा नहीं फेंक रहा मतलब कह रही फेंक रहा नहीं शाहरुख नहीं नहीं हम तुमसे कभी बात नहीं करूंगा तुमने फेंका तो सही है थैंक यू मुझे पता मैं वहां लिखूंगी तो फेंक दोगे इतना दे दो मुझे मैं तीन तक काउंट करूंगी एक दो तीन तो यस मुझे फाइनली जो है ये ट्रॉफी आखिरकार मेरे हाथ में ये क्यों पैकी तो हमारा मिनी पांडा खाना खाया चलो उसको तंग करो थोड़ा सा क्या करती है रुको रुको तब देखो तो एज यू नो कि रोज मम्मी को बाहर लेके जाती तो आज भी मम्मी कह रही है कि मुझे बाहर लेके जाओ अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ मैं बहुत ज़्यादा जब लो फील कर रही हूँ मैंने तो हल्का सा टेंट लगाया मैं थोड़ा सा मतलब फ्रेश होने की कोशिश की बट पता नहीं था अलग से सुन हो जाता ना इंसान वैसे हो गई अब पता नहीं क्या होगा खैर अभी चलते हैं बाहर और मम्मी को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी भी कोई हजार नहीं उनको अपने घर में कैद रखना नहीं चाहती आ रही तो आज हम सब जो है ऑटो पर जाएंगे बहुत मजा आएगा क्योंकि फरिया भी होगी तो इसलिए हमें ऑटो ही कराना पड़ेगा आज हम ये अच्छा बोल पे चलेंगे तो अभी हम सब जो है रक्षे में बैठ चुके हैं फरीहा भी आ गई है और वो मेरे तो कितने टाइम के बाद हम लोग रक्षे बैठे बहुत अच्छा लग रहा है तो मैं यहाँ से लेने आऊँ पानी की ठंडी बोतल क्योंकि मैं मुझे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा प्यास लगती है और बहुत ज़्यादा मुझे सिगर भी होती है आज अम्मी कह रही है कितने दिनों के बाद मतलब काफ़ी टाइम के बाद ऐसे लगा लो ये फोन तुम मुझे बताओ तो मुझे क्या कहती है कि क्या ना लगाऊं अपने घर में रेड लाइट लगाना कहती है क्या कहती है बहुत प्यारी है क्या ये पता है धागे हैं हाँ वही तो कह रही आज उड़ाएंगे मजा आएगा तो ये ऊपर उड़ रहा है ये मुझे इसके पास जा रही है इसके धागे देख रहे हम लोग जा रहे हैं इनके पास और पूछते हैं ये क्या और एक लेते भी हैं लेकिन यहाँ से यूँ धागे जा रहे हैं जहाज है फिर ये उड़ता है तो ये सब अंदर से जो निकलती है ना वाइट वाइट उससे बनाई हुई सभी चीज़ें हाँ और ये बहुत खूबसूरत है मेरे देख रही तो फिर उसके बाद जो है मैं गई थी कलर कराने के लिए बाहर मुझे ना ये गोल्डन बार बहुत बुरे लग रहे थे मेरा दिल कर रहा था कि मैं इनको ब्लैक करा लूं सबसे कह रही थी कि मुझे ब्लैक करना क्योंकि मुझे ये बहुत अजीब सा लुक दे रहा है तो ये कलर है ये मैंने करवाया था MDF सैलून से आयशा भाजी से क्योंकि आयशा भाजी का कलर बहुत अच्छा है ये बहुत अच्छा कलर करती है प्लस ये बालों को डैमेज भी नहीं करती तो इसलिए मैंने बोला कि मैं इस बार इनसे ही कलर करवाऊंगी और रिजल्ट आप लोग को दिखाई नहीं पाई इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मेरा दिल बहुत उदास था तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपने पास रख सकती थी लेकिन क्योंकि मुझे किसी चीज़ को कैद करना बिल्कुल पसंद नहीं और सब कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा है इसको अपने पास रख लो ये कहीं जा भी नहीं रहा था लेकिन मैंने इसको उड़ा दिया क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा था किसी को कैद करने का लेकिन देखिए ये फिर से मेरे पास वापस आ गया था अच्छा मेरे साथ एक चीज़ होती है मेरे साथ छोटे बच्चे और जो जैसे परिंदे हो गए कैट्स वगैरह ये बहुत अटैच हो जाते अच्छा तो मैं आप लोगों को बताती हूँ उस दिन से जिस दिन से मैंने ये ब्लॉग एंड करा था मतलब वहाँ पे मैं एंड ही नहीं कर सकी खैर तो उस दिन हुआ यूँ कि ना मतलब कुछ वीडियोस थी मैंने देखा मैंने फिर उस टाइम ना इग्नोर किया लेकिन बाद में इंसान की जाहिर सी बात है दिमाग में बातें आती हैं और काफ़ी टाइम से मतलब मैं ऐसा और था कि मैं कंट्रोल करती लेकिन उस दिन ना मैं बहुत रोई शाम के टाइम और मैंने मैं किसी रिएक्शन वालों की नहीं क्योंकि मैंने किसी अपने बहुत क्लोज की वीडियो देखी थी
तो इसके बाद मुझे बहुत हर्ट हुआ। खैर अब किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं चाह रही ना ही कुछ हो, मतलब ये सब चीज़ें जो भी चीज़ें चल रही थी ना, मतलब मैं नहीं कर पाई बर्दाश्त, मेरे अंदर इतनी बर्दाश्त नहीं है ना मैं ये चीज़ें बर्दाश्त कर सकती हूँ। एक जो गुनहगार होता है ना वो हर चीज़ बर्दाश्त करता है, तो मतलब वो इसका मतलब गुनाह होता है ना तो इंसान बर्दाश्त करता है, जब किसी का गुनाह ना हो ना फिर वो बिला वजह सब चीज़ें बर्दाश्त करता रहे। और मैंने तो हज़ार मरतबा सॉरी भी किया है। खैर उसके बाद जो अल्लाह ताला को मंजूर था वो हुआ, और मैं पहले बहुत रोई इस चीज़ पर, लेकिन फिर मुझे ये समझ में आया, मुझे मेरे दोस्त ने समझाया और जो भी थे सब, कि मतलब जो चीज़ होनी होती है ना हम उसको रोक नहीं सकते। बाकी जो है नेक्स्ट टाइम ये होगा कि मैं जब भी मैं प्रेग्नेंट होंगी तो इनशाला मैं 3 मंथ के लिए यूट्यूब को छोड़ दूंगी। जब भी ऐसा होगा तो मैं आप लोगों को बता के बस कोई और रीज़न दे के मैं 3 मंथ के लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि ये इधर कोई इंसान ठीक नहीं रह सकता। जब मैं एक मतलब नॉर्मल इंसान जब कोई डिप्रेशन में जाके पागल हो सकता है, बहकी बहकी बातें कर सकता है, तो फिर कोई प्रेग्नेंट तो लेडी अगर हो यहाँ पर वो नहीं यहाँ पर सर्वाइव कर सकती। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी, मैंने बात करनी थी मुस्लिमा के बारे में, कि इतनी गंदी उसने कम्युनिटी लगाई, इतनी गंदी कम्युनिटी लगाई है, अल्लाह ना करे कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो और कोई आके तुम्हारी इस तरीके से मजाक हो जिस तरीके से तुमने मेरी मजाक उड़ाई। मुझे उस टाइम और हर्ट हुआ जब मैंने देखा ना, और फिर जो लोग उसको अप्रिशिएट करते, मैं देख रही थी कि ये लोग कौन है, ये लोग ऐसे कौन है जो इतनी इस हद तक भी गिरी हुई बातें कर सकते हैं। खैर कुछ लोग वहां पर थे, मैंने देखा कुछ लोग कहते कि आप ये गलत कर रही हो, कि बेशक वो कह रहे थे कि हम लोग यहाँ आपके सपोर्टर हैं लेकिन इतनी गलत बात है, मतलब वहां पे कुछ लोगों में इंसान थे लेकिन कुछ लोग तो इतना खुश हो रहे थे। खैर मैं इतना कहूंगी कि शर्म से जाके डूब मरो, तुम लोग इतने घटिया हो जाए। और मेन सेम जो है मरियम ने भी ऐसी बात की है कि मैं तो पहले कह रही थी कि कोई ड्रामा होने आने वाला, कोई चीज होने वाली, तुम लोग को शर्म, तुम लोग की तुम तो औलाद वाली हो ना, तुम ऐसी बात कैसे कर सकती हो। खैर अल्लाह ताला तुम लोग को हिदायत दे, मैं तुम लोग के लिए क्या ही कह सकती हूँ बजाय किसी को समझने के, लेकिन आप लोग इतनी गंदी बातें कर रहे हो, मुझे तो आप लोग के ईमान पर मैं दिल करता हूँ, आपके ईमान पे शाबाश है कि आप लोग ऐसी घटिया बातें करते हो। उसके अलावा बात करते हैं सलमाबाजी की, तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा कि मैंने सलमाबाजी को ब्लैकमेल किया है, तो मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी सिर्फ सलमाबाजी से रात में बात हुई थी जब मैंने उनको ये बात बताई, क्योंकि उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मैं बहुत ज़्यादा मुझे हर्ट हुआ था। और जिनको यही लग रहा है कि मैंने जाके झूठ बोला, उधर बैठ के क्या कहते हैं हरम शरीफ में बैठ के इतनी बड़ी बात मेरे लिए नहीं करती ना, कि मैं उसकी हालत नहीं देख सकती, इसका मतलब और क्या था, मतलब वो वहां पर आके बोले कि हाँ भी नैना का मिसकैरेज हुआ है, इस तरीके से वो आके बोले, ये चीज हुई थी। इसके बाद उनको बहुत अटुआ कि उनको ये था कि उनकी वजह से, उनको ये लगा था कि उनकी वजह से हुआ, लेकिन उनकी वजह से नहीं हुआ, ये अल्लाह ताला को मंजूर था, तो ये सब चीज हुई है मेरे साथ। और अल्लाह कोई नहीं, अल्लाह ताला और देगा। खैर अभी तो मैंने ब्रेक लेना है, मैं अभी तीन साल तक अभी मैंने ऐसा कुछ भी सोचा, क्योंकि मैं मेंटली और मैं फिजिकली मैं इसके लिए अब रेडी नहीं हूँ। खैर सलमा से जब मैंने रो के बात की, मैंने कुछ भी नहीं कहा, मैंने बोला बस, मैंने इतना कहा था कि बहुत मैंने कहा ये लोग जालिम है, मैंने कहा किसी को किसी पर तरस नहीं आता, मैंने कहा इतने जालिम है, किसी कोई मर जाए कोई कुछ हो जाए लेकिन किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता था कि सलमाबाजी वीडियो बना देगी, मुझे सच में नहीं पता था। खैर सलमाबाजी ने वीडियो बनाई, उसके बाद मैंने सलमाबाजी को बोला था कि प्राइवेट कर दे, मैंने उसी टाइम उनको काफ़ी मैसेजेस किए कि सलमाबाजी आप वीडियो को प्राइवेट कर दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ये सब चीज़ें फिर से स्टार्ट हो, मैंने इसलिए सलमाबाजी को कहा था। और आप लोग सब लोग कह रहे हैं कि सलमाबाजी ने वीडियो प्राइवेट की, सलमाबाजी ने वीडियो इसलिए प्राइवेट की क्योंकि अम्मा नाराज़ हो गई थी, जाहिर सी अम्मा बहुत रो रही थी कि फिर से ये चीज़ें स्टार्ट होंगी, फिर से जाहिर सी बात है वो भी माँ है, वो भी कहाँ जाए, उनकी इस उम्र में वो चाहती है कि वो सुकून में रहें, तो ये सब चीज़ें वो फिर से नहीं देख सकती। खैर सलमाबाजी भी इमोशनल हो गई थी, अम्मा अब जाहिर सी बात है वो भी माँ है, तो खैर सलमाबाजी ने फिर वीडियो प्राइवेट कर दी, और प्राइवेट करने का मकसद पीछे ये था। बाकी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं अपने ब्लॉग जो है अच्छे बना सकूँ, फिलहाल मैं बना नहीं पा रही। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, मतलब मैं सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मतलब ब्लॉग बनाने का दिल नहीं करता ऐसा, मतलब बाकी सब कुछ सही चल रहा है, मतलब बस ब्लॉग नहीं बनाया जा रहा। खैर मैं कोशिश करूंगी मैं अच्छा सा ब्लॉग बनाऊँ, ब्लॉग नहीं बनाया तो आप लोगों से बात दिल की बात जो है शेयर कर लिया करूंगी, लेकिन इंशाल्लाह ब्लॉग आएगा। और बस आप लोग अपनी दुआ में याद रखिएगा, और जो लोग झूठा बोलते हैं मुझे उनको कोई सफाई नहीं देनी, क्योंकि कहना मैं यहाँ पे सफाइयाँ दूँ, मैं कुछ भी करूँ आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग जितनी गलत बातें करते हैं मैं तो कहती हूँ आप लोग गलत बातें करो, मेरा दिल दुखे ताकि फिर अल्लाह ताला आप लोगों को दिखाए कि ऐसा जो बोलते हैं फिर अल्लाह ताला उनको दिखाते भी हैं। खैर मेरे पास अभी सिर्फ छोटी सी पांडा है, मैं इसी के साथ ही बहुत खुश हूँ, और बस इसके साथ मेरा भी टाइम अच्छा गुजर जाता है, ये मेरे साथ बच्चों की तरह ही है, मैं जब घर आकर उसका खेलती हूँ मुझे बहुत अच्छा, मतलब मुझे लगता है यही मेरा बेबी है, तो मैं इसके साथ अभी फिलहाल बहुत खुश हूँ, है ना, तुम भी खुश हो ना।
और इसी के साथ साथ हम आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। होप लोग आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं बोलूँ कल आप लोग नया व्लॉग करता, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।